तो एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर मोदी 3.0 सरकार का ब्लूप्रिंट उनके पास क्या है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब देश के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे फैसले जन कल्याण के लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो फैसले सरकार ले रही है वो सभी जन कल्याण के लिए, मैंने हमेशा सही दिशा में काम किया है। उन्होंने युवाओं से अपील भी की कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। मेरा कार्यकाल अभी 10 साल का है। प्रधानमंत्री की ये बड़ी बातें उनके इंटरव्यू की। 2047 देश की आजादी के 100 साल होंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसे जो माइलस्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्साह भरते हैं, नए संकल्प के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं। और उस अर्थ में मेरा मत था कि एक मौका है। 75 साल पर हम खड़े हैं, 100 साल पहुंचने वाले हैं, इस 25 साल का सर्वाधिक उपयोग कैसे करें। हर इंस्टीट्यूशन, हर कोई अपना एक लक्ष्य बनाए कि मैं अपना गांव का प्रधान हूं, 2047 तक मेरे गांव में इतना तो मैं करूंगा। देश ये कहता है और जो मैं खुद भी फील करता हूं कि ये माँ भारती का बेटा है, ये माँ भारती का संतान है। उससे ज़्यादा न लोग मुझे मेरे लिए सोचते हैं, न ही मेरे लिए बोलते हैं। भारत माँ का संतान है, माँ की सेवा कर रहा है, तो इतना ही बहुत है। पहली बात है कि इसका राजनीतिकरण किसने किया और इसको आज की घटनाओं से मत, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते थे, चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।